नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ साक्षी मिश्रा और मेरे साथ है शिवांगी। हेलो। आइए रुक करते हैं स्पोर्ट्स जगत की कुछ बड़ी खबरों की, जिनके चर्चे आज हर जगह हैं। शिवांगी, कौन सी बड़ी खबरें हैं आज? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है साक्षी, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, कैसी तैयारी चल रही है? जी बिल्कुल, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज़ कल से शुरू हो रही है, तो उसकी तैयारियां भी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के खेमे में ग्रेग चैपल और स्टीव वॉक्स जैसे दिग्गज देखने को मिल रहे हैं, वहां पे मैदान पे टीम की प्रैक्टिस में वो लोग भी दिखे हैं, और दूसरी तरफ इंडियन टीम भी प्रैक्टिस कर रही है, और इंडियन टीम में भी मतलब ऐसी प्रैक्टिस हो रही है कि नेट्स पे भी छक्के चौके उड़ रहे हैं, तो बिल्कुल तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है दोनों ही टीमों की। और क्योंकि एडिलेड दोनों ही टीमों का बहुत पसंदीदा मैदान है, खासकर कि भारतीय टीम का इसलिए क्योंकि विराट कोहली और मुरली विजय जैसे जो हमारे प्लेयर्स हैं जिन पे पूरी टीम की बहुत उम्मीदें टिकी हुई हैं, उन्होंने पहले भी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, और उनके लिए उनको बहुत पसंद है ये मैदान। विराट कोहली हमेशा कहते हैं उनके फेवरेट मैदानों में से एक है, उन्हें यहाँ बल्लेबाजी करना बहुत पसंद है। और अजिंक्य रहाणे ने भी कल कहा कि ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी करना इंग्लैंड के कंपैरिजन में बहुत अलग होगा और थोड़ा आसान भी होगा, तो देखते हैं, उम्मीद है ये आसानी टीम इंडिया के हक में रहे और टीम इंडिया जीते। जब आपने टीम इंडिया की बात ही करी है तो एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ सामने आई है गौतम गंभीर की, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल जी? गौतम गंभीर ने कल अपने फैंस को झटका दिया है। शॉकिंग तो खास नहीं होगी क्योंकि बहुत टाइम से ये आता दिख रहा था कहीं ना कहीं, शायद क्योंकि 2016 के बाद से कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है गौतम गंभीर ने, पर हाँ रणजी ट्रॉफी से भी वो पीछे हट जाएंगे ये शॉकिंग है। कल फेसबुक पे एक वीडियो के जरिए उन्होंने अपना रिटायरमेंट क्रिकेट से घोषित कर लिया, वो किसी भी तरीके का क्रिकेट नहीं खेलेंगे। दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच में रणजी ट्रॉफी मैच होने वाला है, वो गौतम का आखिरी मैच होगा, ये भी ऐलान उन्होंने कर दिया है। बहुत ही बड़ा झटका है उनके फैंस के लिए। तो फुटबॉल में एक बहुत ही चौंकने चीज़ सामने आई है, वो क्या है साक्षी? फुटबॉल में डेफिनेटली एक बहुत चौंकाने वाली चीज़ हुई है, बलोंडी और जो हर साल अवार्ड होता है बेस्ट फुटबॉलर के लिए मिलता है, वो पिछले कई सालों से 2008 से पिछले साल तक लगातार रोनाल्डो और मेसी के बीच में ही उसका मुकाबला चलता था। कभी रोनाल्डो जीतते थे, कभी मेसी जीतते थे, 2008 से 2017 तक यही सिलसिला चल रहा है, पर इस बार ये चीज़ पलट गई। रोनाल्डो और मेसी दोनों को पीछे छोड़ के क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं मॉड्रिच, लुका मॉड्रिच, उन्होंने ये खिताब अपने नाम ले लिया, और वो रियल मॉड्रिच के भी खिलाड़ी हैं, तो रोनाल्डो के साथ काफ़ी खेल चुके हैं। इस बार फीफा में उनका प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा था जो वर्ल्ड कप में, बिल्कुल बहुत चौंकाने वाली चीज़ है ये, क्योंकि लगातार इन दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन इतने बेहतरीन रहे कि और किसी का सवाल ही नहीं उठता था कि कोई और इस अवार्ड को ले जा पाए, पर इस बार लुका मॉड्रिच ने दोनों को पीछे छोड़ दिया। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, और शाम 6:30 बजे हमारा स्पोर्ट्स बुलेटिन इंडिया न्यूज़ पर देखना ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार।